शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान नेहतरम वाले हैं। मैं अभी आपको एक ऐसी कटिंग बताना चाह रहा हूं जो इंसान मिलके नहीं रहता। ये मैं बार बार इंसान को अल्लाह ताला को पहचानने के लिए बार बार बताता हूं ये बात, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि इंसान मिलके नहीं रहेगा और खून बहेगा। दो बातें, अब जब यहूदियों का खून बहने वाला है क्योंकि हिजबुल्ला जो राकेटों से अटैक कर रहा, हमला कर रहा, वो खून बहने वाला खौफ पैदा हो गया यहूदियों के अंदर, जो यहूदी यहूदी वाली जंग को नहीं पसंद कर रहा। ये जंग जो है ज़ायनिस्टों की है समझो, ये जंग हमारे अमेरिका के जॉय बाइडेन की है समझो। अल्लाह की मार पड़ी जॉय बाइडेन पर, उसको रेस में नहीं ठहरने के लिए बारहा बोला जा रहा, रोज बोला जा रहा, मगर उन्हें ज़ायनिस्ट है, अल्लाह उसको अजाब देगा इंशाल्लाह। तो अभी दो एक दिन से हिजबुल्ला जो हमले कर रहा, उनके साउथ वाला हिस्सा है वो, जो लेबनान से लगा हुआ रहता, और लेबनान में शिया हिजबुल्ला को ऑलरेडी ईरान का जो भी असला है वो पहुंच गया। तो वो लोग, ये जो हम सुन्नी मुसलमान जो होते हैं, जो हमारा गाजा का या फिर आप बोलें कि हमास का जो बर्बादी का जो सामना हम देख रहे, इंसान नहीं मिलने की वजह से सऊदी ने उतरा। अगर सऊदी उतरता तो ये हमारे सुन्नी मुसलमान घरों के साथ साथ औरतें बेवा हो गई, बच्चे मर गए, जल गए, और इंसान वहाँ का सब कारोबारी क्या, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई उनकी, यानी पूरा ही बर्बाद हो गया उनका। अल्लाह का पता नहीं क्या मंशा है, क्या हिकमत है अल्लाह की, हमको नहीं पता। लेकिन हमारे लोग एक हिसाब से यहाँ पर नहते होने की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गए, लेकिन अल्लाह ने अभी तक उनको कुरान में ये चैलेंज से कहा अल्लाह के यहूदी को एक भी घर ने देखा। 1400 साल से देखो ये दर दर फिर रहे, 1400 साल से इनको, 500 साल से आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ये इनको कहीं भी घर नहीं है। इनको हर जगह से पनागजियों की तरह, ये जो होमलेस की तरह इनको बाहर निकाल दिया जाता। पूरी दुनिया में तारीख उठा लो तो आज इनके ऊपर मौत मंडलाने वाली बात आ जाने से वहां के जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश है, जो ज़ायनिस्ट नहीं है, वो लोग जो जंग नहीं पसंद करते, वो लोग आज सड़कों पे आ गए, हजारों की तादाद में आ गई, और पुलिस कंट्रोल नहीं कर सक रही, और इनकी जो फौज है IDF जो निकला हुआ है रफा के तरफ, या फिर निकला हुआ है गाजा के ये बर्बादी की तरफ, अब उनको और आगे जाना पड़ा इनके साउथ के हिस्से में, जो लेबनान है हिजबुल्ला का, उनके यहाँ होने की वजह से इनकी फौज तितर बितर हो गई, और इनकी जो पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर सकी। मैं आपको ये की बात बताता हूँ, मैं बदकिस्मत इंसान हूँ क्योंकि मेरे पास भी अल्लाह ताला इतना अच्छा तरीके समझाने का इल्म दिया, इस वास्ते तो मेरे वीडियो रोक दिए लोग। मैं एक ही बात बता रहा हूं, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम काफिर नहीं हो, तुम मुशरिक नहीं हो, तुम हराम का खाते हो, इस वास्ते एक गंदा लफ्ज बोलना पड़ा मेरे को काफिर और मुशरिक का, इस वास्ते कि तुम्हारे ईमान नहीं बन सकते, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे बांग्लादेश के हो। मेरे को अरबस्तान से लेना ना देना, अरबियों से, क्योंकि उनके तो ईमान दौलत की वजह से बिक गए, उनको खरीद लिया गया दौलत की वजह से, यहूदी नसारा ने खरीद लिया उनको, उनके लिए नहीं बोलो। मैं तुम मुसलमानों को कह रहा हूं, अगर से तुम वाकई अल्लाह का काम करके जन्नत पाने की बात सोच रहे हो, तो एक ही बात बताओ, हर वीडियो में मैं बता रहा हूं,
अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, तो क्रिश्चियन और जूज भी गौर करेगा कि यहोवा ने पैदा करा। देखो यूरोप के अंदर एक ख्याल इनका ऐसा है, जो बाहर आके क्रिश्चियनिटी की जो मिशनरी का काम करते हैं वो लोग पहले बोलते जीसस गॉड है। जब मुसलमान डर जाता नहीं उन्होंने एक प्रॉफिट है तो फिर क्या करते यहवे का नाम ले लेते, यहवे जोवा एलोहिम इस तरह से बताते। वो पूरे यहूदी नाम है खुदाओं के जो वो लोग इमेजिनेशन से बना ली सो। और तुम लोगों को ये बात खरीब से इस वास्ते नहीं मिल सकती क्योंकि इस पर रोशनी ना तो अहमदीदारे ना जाकिर नायक, ये लोग तो खाली किताबें पढ़ने वाले है। मैं वो मुल्क में रहता हूँ जहाँ पे इनकी राख के अंदर चिंगारी या बारूद है समझो, वैसी जगह की खोज निकालता हूँ मैं अल्लाह अकबर।